परशुराम जी, इतनी सी छोटी आयु में आपने एक इतने बड़े असुर का वध कर दिया, इससे आपके माता पिता तो अवश्य प्रसन्न हुए होंगे और गांव में उत्सव भी हुआ होगा। नंदी जी, उस दिन उत्सव तो हुआ था, परंतु उस असुर के वध का नहीं, मेरे यज्ञोपवीत संस्कार का उत्सव हुआ था। आप तीनों माताएं अपने अपने पुत्र के पात्र में भिक्षा दें। माता भिक्षाम दीन। अब आप तीनों ग्रामवासियों से भी भिक्षा ग्रहण कर यहीं वापस लौटेंगे और जो सबसे अधिक भिक्षा ग्रहण करेगा वो श्रेष्ठ शिष्य कहलाएगा। राम कहाँ रह गया? राम तो एक बूढ़ी स्त्री की कुटिया में चला गया और वो कुटिया बड़ी विचित्र सी भी थी। कहीं मेरा पुत्र राम किसी संकट में तो नहीं? राम, राम कहाँ रह गए थे तुम पुत्र? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। माँ, मैं तो भिक्षा लेने ही गया था। किंतु पुत्र, तुम्हारा भिक्षा पात्र कहाँ है? वो तो एक बूढ़ी माई ने ले लिया पिताश्री, और उसके बदले उन्होंने मुझे कुछ दिया भी है। ये देखिए। कच्चे चावल, वो भी मात्र 3 दाने। इन 3 चावलों के दानों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होगा। पर उस बूढ़ी माता ने तुम्हें 3 दाने चावल ही क्यों दिए? क्योंकि उन्होंने मेरी एक अद्भुत परीक्षा ली थी। भिक्षामि देहि। माता, भिक्षाम देहि। माता, कृपया भिक्षा दीजिए। लौट कर आओ पुत्र, देती हूँ। अभी तो मैं भोजन पकाने बैठी हूँ। माते, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मुझे केवल 5 घरों में भिक्षा मांगने का अधिकार है। पिछले 4 घरों में से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ये मेरा अंतिम घर है जहाँ से मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा। मैं तुम्हारे लिए भिक्षा लेकर आती हूँ, पर तुम्हें मेरे भोजन पर ध्यान देना होगा और तुम यहाँ से तब तक नहीं जाओगे जब तक वो पक न जाए। ठीक है माता, आप जाइए, मैं यहीं हूँ। माते, माता, माते ने कहा था कि उनके भोजन का ध्यान रखने के लिए कहीं भोजन जल ना जाए। ये तो पत्थर है। माता ने कहा था कि जब तक ये पक ना जाए यहां से जाना मत। पत्थर तो पकने से रहा। ओ
अग्नि देवाय नमः। ओम अग्नि देवाय नमः। हे अग्निदेव, कृपया प्रकट होइए। वत्सराम, प्रणाम अग्निदेव। कहो पुत्र, मुझे कैसे स्मरण किया? हे अग्निदेव, इस संसार में आपसे अधिक ऊर्जावान, तेजस्वी और पवित्र कोई भी नहीं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आपका तेज और ताप पिघला ना सके। अपनी इच्छा बताओ पुत्र, आखिर तुम क्या चाहते हो? आपसे प्रार्थना है अग्निदेव कि आप इन पत्थरों को भी पिघला दीजिए। मैं इन पत्थरों को अवश्य पका सकता हूँ राम, किंतु इसमें मेरी अतिरिक्त ऊर्जा का क्षय होगा, इसलिए इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। कहो, स्वीकार है? मुझे स्वीकार है अग्निदेव। उचित है, मैं इन्हें अभी पकाई देता हूँ। लो, ये पत्थर पक चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अग्निदेव। कहिए, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ? अपने सभी जन्मों के पुण्य कर्म। जीवन के सभी पुण्य कर्म? हाँ राम, मुझे तुम्हारे सभी जन्मों के पुण्य कर्म चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा अग्निदेव। मैं भृगुवंशी जमदग्नि पुत्र राम सभी दसों दिशाओं और समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर आज अपने सभी पुण्य कर्मों का दान अग्निदेव को। पुत्र राम, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रणाम अन्नपूर्णा माता। माता अन्नपूर्णा, प्रणाम। माता, कल्याण हो पुत्र। राम, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। लाओ, अपना पात्र मुझे दे दो। अवश्य माते। अपना दाया हाथ आगे लाओ पुत्र। माते, ये चावल के केवल 3 दाने ही क्यों? ये चावल के 3 दाने भविष्य में तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी, इसीलिए तुम इसे संभाल के रखना। जो आ गया माता। तुम्हारा सदैव कल्याण हो पुत्र। पुत्र राम, जिस प्रकार दान देने से दान दी हुई वस्तु घटती नहीं अपितु और बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य कर्म भी और बढ़ जाएंगे, ऐसा मैं तुम्हें वचन देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। स्वयं अन्नपूर्णा ने तुम्हें दान दिया है, तुम बहुत भाग्यशाली हो राम। लेकिन चावल के केवल 3 दाने ही क्यों? क्योंकि चावल के इन 3 दानों में त्रिलोक बसा है देवी रेणुका। हमें गर्व है अपने पुत्र राम पर। वाह परशुराम जी,
आप तो बचपन से ही धर्मवीर हैं, महावीर भी और कर्मवीर भी। आपकी बचपन की कथा तो सत्य में ही बहुत ही अद्भुत और निराली है। आप सभी को गौरी नंदन गणेश का प्रणाम। प्रणाम परशुराम जी। प्रणाम। परशुराम जी कैसे हैं आप? आप सबकी कृपा है प्रभु। नंदी जी, मेरी तो कई कथाएं निराली हैं, परंतु आप मुझसे कभी कुछ सुनते ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये तो बस परशुराम जी हमें सुना रहे थे और हम सुन रहे थे। वैसे भी आपकी कथा और परशुराम जी की कथा कहाँ अलग है, आप दोनों भी तो। प्रभु, माता, आज्ञा चाहता हूं। ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला? परशुराम जी और गणेश जी को उसी पुरानी घटना का स्मरण करवा दिया जिसे सब भूलना चाहते हैं।